माए नी मेरी शिमले दी राहें चंबा कितने की दूर है, चंबा कितने की दूर। शिमले नी बसना कसौली नी बसना, शिमले नी बसना कसौली नी बसना, चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर। यह कुछ पंक्तियां हैं जो हिमाचल के लोक गीतों की हैं। कुछ खास है इस जगह में। यह शहर प्राकृतिक सुंदरता और मनमोहक दृश्यों के साथ एक ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व होने के साथ साथ यह शहर अपने मंदिर और स्थानों में अपने समृद्ध मध्ययुगीन अतीत को संरक्षित किए हुए है। चंबा भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में स्थित एक शहर है। चंबा समुद्र तल से 3,301 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह शहर रावी नदी, जो कि ट्रांस हिमालय सिंधु नदी के तट पर है, वहां स्थित है। इस क्षेत्र पर औपचारिक रूप से राजपूतों का शासन था, जो लगभग 500 ईस्वी से राजू मारू से शुरू हुआ था, जो भरमौर की प्राचीन राजधानी से शासन कर रहा था, जो चंबा शहर से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 920 ईस्वी में राजा साहिल वर्मन ने अपनी बेटी चंपावती के विशिष्ट अनुरोध के बाद राज्य की राजधानी को चंबा में स्थानांतरित कर दिया। चंबा का एक प्राचीन इतिहास है जो आसपास के चंबा जिले से अविभाज्य है। यहाँ के सबसे पहले शासक कोलियन जनजाति थे। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इस क्षेत्र में खास और औदुम्बर सत्ता में थे। चौथी शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल के दौरान ठाकुरों और राणाओं ने यहाँ शासन किया। सातवीं शताब्दी से राजपूत वंश सत्ता में आया। राजपूत शासकों के दर्ज इतिहास का पता मारू नाम के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से मिलता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वे लगभग 500 ईस्वी में कल्पग्राम से उत्तर पश्चिम भारत चले गए थे। उन्होंने बुढ़ल नदी घाटी में अपनी राजधानी की स्थापना ब्रह्मपुरा नामक स्थान पर की, जो बाद में भरमौर के नाम से जाना जाने लगा। आधुनिक इतिहास 1806 ईस्वी में गोरखाओं और स्थानीय पहाड़ी प्रमुखों की संयुक्त सेना ने युद्ध में राजा संसार चंद की सेनाओं पर हमला किया और परिवार के साथ उन्हें करारी हार के लिए मजबूर कर कांगड़ा किले में शरण ली। गोरखाओं ने कांगड़ा किले की घेराबंदी कर ली और कांगड़ा किले और महल मोहरिया के बीच के क्षेत्र को बेरहमी से लूट लिया और गांवों को लगभग नष्ट कर दिया। किले की घेराबंदी 3 साल तक जारी रही। अगस्त 1947 में भारत के एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद चंबा की रियासत अंततः 15 अप्रैल 1948 को मंडी के अन्य रियासतों के साथ सुकेत राज्य, सिरमौर राज्य और शिमला पहाड़ियों में उन सभी के साथ भारत में विलय हो गई। स्थल चिन्ह और शहर का दृश्य। चंपावती मंदिर। इस मंदिर का निर्माण राजा साहिल वर्मन ने अपनी बेटी चंपावती की याद में करवाया था। मंदिर में देवी महिषासुर मर्दिनी यानी दुर्गा माँ की एक मूर्ति की पूजा की जाती है। मंदिर की दीवारें
उत्तम पत्थर की मूर्तियों से भरी हुई है। अपने ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के कारण मंदिर का रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। बन्नी माता मंदिर। बन्नी माता मंदिर, जिसे महाकाली बन्नी माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यह मंदिर चंबा घाटी में पीर पंजाल रेंज के आधार पर 8,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह हिंदू धर्म में देवी काली को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। लक्ष्मी नारायण मंदिर। वैष्णव संप्रदाय को समर्पित लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में मुख्य लक्ष्मी नारायण मंदिर शामिल है। यह लकड़ी चैटरीज के साथ स्थानीय जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप करने के लिए बनाया गया और इसमें एक शिखर, एक गर्भगृह, अंतराला और एक मंडप है। 1678 में राजा छत्र सिंह ने मंदिर की छत को औरंगजेब के प्रतिशोध के रूप में सोने की परत चढ़ाते हुए शिखर से सजाया। भूरी सिंह संग्रहालय। यह संग्रहालय 14 सितंबर 1908 ईस्वी को खुला था। 1904 से 1919 तक यहां शासन करने वाले राजा भूरी सिंह के नाम पर इस संग्रहालय का नाम पड़ा। भूरी सिंह ने अपने परिवार की पेंटिंग्स का संग्रह संग्रहालय को दान कर दिया था। चंबा की सांस्कृतिक विरासत को संजोए इस संग्रहालय में बसहोली और कांगड़ा आर्ट स्कूल की लघु पेंटिंग भी रखी गई हैं। भांदल घाटी। यह घाटी वन्य जीव प्रेमियों को काफी लुभाती है। यह खूबसूरत घाटी 6,006 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह घाटी चंबा से 53 किलोमीटर दूर सलूनी से जुड़ी हुई है। यहां से ट्रैकिंग करते हुए जम्मू कश्मीर पहुंचा जा सकता है। रास्ते में आपको प्रकृति का मनमोहक नजारा देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर के रास्ते में आपको पधरी जोत नामक पर्यटक स्थल भी देखने को मिलेगा, जहां आप प्रकृति की सुंदरता महसूस कर सकते हैं। भरमौर। चंबा की इस प्राचीन राजधानी को पहले ब्रह्मपुरा नाम से जाना जाता था। 2195 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भरमौर घने जंगलों से घिरा है। किंवदंतियों के अनुसार 10वीं शताब्दी में यहां 84 संत आए थे। उन्होंने यहां के राजा को 10 पुत्र और एक पुत्री चंपावती का आशीर्वाद दिया था। यहां बने मंदिर को 84 नाम से जाना जाता है। चौगान। यह खुला घास का मैदान है। लगभग 1 किलोमीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा यह मैदान चंबा के बीचों बीच स्थित है। चौगान में प्रति वर्ष मिंजर मेले का आयोजन किया जाता है। एक सप्ताह तक चलने वाले इस मेले में स्थानीय निवासी रंग बिरंगी वेशभूषा में आते हैं। इस अवसर पर यहाँ बड़ी संख्या में सांस्कृतिक और खेलकूद की गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। वज्रेश्वरी मंदिर। यह प्राचीन मंदिर 1000 साल पुराना माना जाता है। प्रकाश की देवी वज्रेश्वरी को समर्पित यह मंदिर नगर के उत्तरी हिस्से में स्थित जनसाली बाजार के अंत में स्थित है। शिखर शैली में निर्मित इस मंदिर का छत लकड़ी से बना है और एक चबूतरे पर स्थित है। मंदिर के शिखर पर बेहतरीन नक्काशी की गई है। अखंड चंडी महल। चंबा के शाही परिवारों का यह निवास स्थल राजा उमेद सिंह ने 1748 से 1764 के बीच बनवाया था। बाद में राजा भूरी सिंह के कार्यकाल में इसमें जनाना महल जोड़ा गया।
महल की बनावट में ब्रिटिश और मुगलों का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। 1958 के बाद में यह महल सरकारी कॉलेज और जिला पुस्तकालय के लिए शिक्षा विभाग को सौंप दिया गया। खजियार चंबा की सबसे खूबसूरत जगह है। यह चंबा से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। लाखों की तादाद में हर वर्ष लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। यहाँ एक झील है जो कि काफी पुरानी है और जिसका दृश्य लोगों के मन को बहुत भाता है। इस झील के आसपास लगी हुई घास इतनी उपजाऊ है कि लोग इस घास को उखाड़ के अपने घर के आंगन में उगाते हैं। मशहूर चौगान चंबा की घास भी यहीं से लाई गई है और हर साल खजियार की इस घास को चंबा के चौगान में उगाया जाता है। संस्कृति। चंबा लघु चित्र। चंबा अपने लघु पहाड़ी चित्रों के लिए विख्यात है। राजा चरहत सिंह के शासनकाल के दौरान लोक कला का विकास हुआ और स्थानीय कलाकारों पर इसका स्थायी प्रभाव पड़ा। चंबा के चित्रों में लघु चित्र और भित्ति चित्र दोनों शामिल हैं और इन चित्रों में मुगल प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। चित्रों का आमतौर पर हिंदू धार्मिक विषयों, विशेष रूप से राधा कृष्ण, शिव पार्वती, राम दरबार, यशोदा और कृष्ण, गोपियां, प्रेम दृश्य, हिरण, पक्षी और महिलाएं, दया सप्तशती और कृष्ण सुदामा जैसे हिंदू पौराणिक कथाओं के साथ चित्रित किया गया था। चंबा पारंपरिक हस्तशिल्प बनाने का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और शहर में कारीगरों द्वारा संचालित कई छोटी कार्यशालाएं हैं। उत्पादित वस्तुओं में से कई उत्तम और भव्य हैं, जो कस्बों की कुलीन विरासत के लिए वसीयतनामा है। चंबा में रुमाल और शॉल भी बहुतायत में बनते हैं। परंपरागत रूप से हाथ से काते गए, उन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कपड़े के दोनों किनारे एक जैसे दिखते हैं और खूबसूरती से कढ़ाई की जाती है। त्योहार, मेले और नृत्य। चंबा उन जगहों में से एक है जहां वास्तव में बस होली प्रभाव पहुंचा था। चंबा में दो मेले, जिन्हें जात्रा के नाम से भी जाना जाता है, विशेष ध्यान देने योग्य है। पहला सूही माता मेला और दूसरा मिंजर मेला। चंबा में आयोजित एक और लोकप्रिय त्योहार मिंजर मेला है। इस अवसर को चौगान में ध्वजारोहण समारोह के साथ भी मनाया जाता है, जो एक सप्ताह के सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों की शुरुआत करता है। वेशभूषा। चंबा के प्राचीन लोगों को ठंडी जलवायु में गर्म रखने के लिए कमर के चारों ओर एक अच्छा ऊनी कंबल पहनने के लिए जाना जाता था। चंबा का संगीत। आंचली के नाम से जाना जाने वाला भक्ति गीत रात भर गाया जाता है। चेला को बुलाया जाता है, जो भगवान शिव को बलि देने के तुरंत बाद एक ट्रांसास में चला जाता है। वायु मार्ग। चंबा जाने के लिए नजदीकी एयरपोर्ट पंजाब के अमृतसर में है, जो चंबा से 240 किलोमीटर दूर है। अमृतसर से चंबा जाने के लिए बस या टैक्सी की सेवाएं ली जा सकती हैं। दिल्ली से गग्गल एयरपोर्ट
पहुंचा जा सकता है जहां से नूरपुर होते हुए बनीखेत या जोत होते हुए चंबा आसानी से पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग चंबा से 140 किलोमीटर दूर पठानकोट नजदीकी रेलवे स्टेशन है। यहां से बस या टैक्सी के द्वारा चंबा पहुंचा जा सकता है। सड़क मार्ग चंबा सड़क मार्ग से हिमाचल के प्रमुख शहरों व दिल्ली, धर्मशाला और चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ है। राज्य परिवहन निगम की बसें चंबा के लिए नियमित रूप से चलती हैं। For more entertainment, please like our video and subscribe to our channel The Roots and press the bell icon to get new video updates.